जय हिंद साथियों, स्वागत आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ओआरओपी रिवीजन यानी कि ओआरओपी थर्ड के तहत आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी यहां पर हुई है। सिपाही रैंक जिन्होंने कम से कम 15 साल सर्विस की है और ऑनरी कैप्टन रैंक तक यहाँ पे जो बढ़ोतरी हुई है कम से कम 200 भी हुई और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 तक भी बढ़ोतरी हुई। तो जानते हैं कि किस रैंक में कितनी बढ़ोतरी ओआरओपी 3 के अंतर्गत 1/7/2024 से आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे सर्विस बताया गया है, उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट पेंशन जो है, उसके बाद एज पर ओआरओपी 3 कितनी आपकी पेंशन बनेगी और डिफरेंस कितना होगा पर मंथ के हिसाब से। सबसे पहला जो रैंक है सिपाही रैंक, जिन्होंने कि कम से कम 15 से लेके 16.5 साल तक सर्विस की है और उनकी जो प्रेजेंट पेंशन है 18,807 रुपये है ओआरओपी 2 के अंतर्गत। ओआरओपी 3 में 1/7/2024 से जो बढ़ती हो गई है 20,328 रुपये है और यहाँ पे उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है 1,521 रुपये की। नेक्स्ट रैंक है सिपाही, जिन्होंने कि 17 से लेके 18 साल तक सर्विस की है, उनकी प्रेजेंट पेंशन 18,807 रुपये और यहाँ पर ओआरओपी 3 के अंतर्गत बढ़ के हो गई है 20,463 रुपये। यहाँ पे जो डिफरेंस है 1,656 रुपये का डिफरेंस है, तो 1,656 रुपये उनकी पेंशन में पर मंथ के हिसाब से बढ़ोतरी हो गई है। सिपाही रैंक, जिन्होंने कि 18.5 से लेकर 19.5 साल तक सर्विस की है ओआरओपी 3 के अंतर्गत, उनकी पेंशन हो गई है 21,425 रुपये और उनकी पेंशन में जो बढ़ोतरी हुई है 2,618 रुपये की हुई है। सिपाही जिन्होंने कि कम से कम 20 साल सर्विस किया है, उनकी पेंशन हो गई है अभी 21,700 रुपये। यहाँ पे जो बढ़ोतरी हुई है 2,687 रुपये की हुई है। सिपाही रैंक, जिन्होंने कि 20 साल से लेके ऊपर सर्विस की है, उनकी जो प्रेजेंट पेंशन थी 19,769 रुपये थी और अभी जो हो गई है 22,659 रुपये हो गई है। यहाँ पे जो बढ़ोतरी हुई है 2,890 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, डिफरेंस है। तो ये बात करें, नेक्स्ट रैंक है वो है नायक टीएस नायक सिपाही एसीपी 1, जिन्होंने 15 से लेकर 15.5 साल तक सर्विस किया है ओआरओपी 2 के अंतर्गत, उनका बेसिक था 20,107 रुपये और ओआरओपी 3 के अंतर्गत बढ़ के हो गया है 20,682 रुपये मात्र। यहाँ पे जो बढ़ोतरी हुई है मात्र 575 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। नायक टीएस नायक सिपाही एसीपी 1 के अंतर्गत, जिन्होंने कि 16 साल सर्विस की है, उनकी पेंशन अभी हो गई है 20,719 रुपये और यहाँ पे मात्र बढ़ोतरी हुई है 612 रुपये की पर मंथ के हिसाब से। नायक टीएस नायक सिपाही एसीपी 1 के अंतर्गत, जिन्होंने कि 16.5 से लेकर 17 साल सर्विस की है, उनकी अभी पेंशन हो गई है 21,488 रुपये और यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है 1,381 रुपये की। इसी रैंक में जिन्होंने कि कम से कम 18 से लेकर 19.5 साल तक सर्विस की है, उनकी पेंशन हो गई यहाँ पर 22,151 रुपये और यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है 1,182 रुपये की। इसी रैंक में जिन्होंने 20 साल सर्विस की है, नायक टीएस नायक सिपाही एसीपी 1, उनकी जो पेंशन अभी हो गई है 22,726 रुपये और यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है 1,757 रुपये की बढ़ोतरी उनकी पेंशन में पर मंथ के हिसाब से हुई है। इसी रैंक में जिन्होंने कि 20.5 साल से लेकर 21 साल सर्विस की है, उनकी अभी जो पेंशन हो गई है और ओआरओपी 3 के अंतर्गत 23,082 रुपये है और यहाँ पे बढ़त हुई है 1,838 रुपये की। जिन्होंने कि 21.5 से लेके आगे सर्विस किया है और ओआरओपी 3 के अंतर्गत 23,539 रुपये हो गई, यहाँ पे बढ़त हुई है 1,851 रुपये की। अभी नेक्स्ट जो रैंक है वो है हवलदार रैंक या फिर सिपाही एसीपी अंतर्गत, जिन्होंने 15 साल सर्विस की है, उनकी जो पेंशन थी पहले वो ओआरओपी 2 के अंतर्गत 21,782 रुपये थी, अभी बढ़त हो गई है 21,988 रुपये, तो मात्र 206 रुपये की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। इसी रैंक में जिन्होंने 15.5 से लेकर 16 साल सर्विस की है, उनकी जो पेंशन अभी बढ़कर हो गई है 22,257 रुपये और यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है 475 रुपये की। जिन्होंने 16.5 से लेकर 17 साल सर्विस किया है, उनकी पेंशन अभी हो गई है 22,476 रुपये और पितरी के अंतर्गत, यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है मात्र 694 रुपये का। जिन्होंने 17.5 साल सर्विस किया है एसीपी थर्ड या फिर हवलदार में, उनकी जो प्रेजेंट ओआरओपी 3 के अंतर्गत पेंशन हो गई 22,994 रुपये का और उसमें बढ़ोतरी हुई है मात्र 1,212 रुपये का। इसी रैंक में जिन्होंने 18 से लेकर 19 साल सर्विस किया है, उनकी जो प्रेजेंट पेंशन हो गई है 23,432 रुपये हो गई है और जो बढ़ोतरी हुई है 1,425 रुपये की पर मंथ के हिसाब से उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है।
अभी इसी के अंतर्गत जिन्होंने 19 साल सर्विस किया है उनकी जो पेंशन है 23,482 रुपये हो गई है और यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है 1,475 रुपये का। जिन्होंने कम से कम 20 से 24 साल सर्विस की है उनकी जो पेंशन हो गई है 24,663 रुपये हो गई है वो आरोपी 3 के अंतर्गत और पर मंथ के हिसाब से 2,506 रुपये उनकी पेंशन में इंक्रीज हो गया है। हवलदार या फिर एसीपी 3 में जिन्होंने 24.5 साल से लेकर ऊपर सर्विस की है उनकी जो बेसिक अभी हो गई है 24,875 रुपये वो आरोपी 3 के अंतर्गत और यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है 2,618 रुपये। इसी प्रकार जिन्होंने 25.5 साल से लेकर ऊपर सर्विस की है उनकी पेंशन जो ओ आर ओ पी 2 के अंतर्गत 22,257 रुपये थी ओ आर ओ पी 3 के अंतर्गत 25,582 रुपये हो गई है और यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है 3,325 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ऑनरी नायक सुबदार जिन्होंने मात्र 24 साल सर्विस की है पहले उनकी पेंशन थी 23,750 रुपये और बढ़कर की हो गई ओ आर ओ पी 3 के अंतर्गत 25,738 रुपये 1,988 रुपये का डिफरेंस है तो 1,988 रुपये उनकी पेंशन में पर मंथ के हिसाब से बढ़ोतरी हो गई है। ऑनरी नायक सुधार जिन्होंने 24.5 साल सर्विस की है उनकी पेंशन हो गई है 25,738 रुपये और यहाँ पर सेम बढ़ोतरी हुई है 1,988 रुपये की। उसी तरह से जिन्होंने ऑनरी नायक सुधार 25 साल सर्विस की है उनकी भी यहाँ पर सेम पेंशन है 25,738 रुपये और बढ़ोतरी हुई है 1,988। ऑनरी नायक सुधार जिन्होंने 25.5 साल से ज़्यादा सर्विस की है उनकी पेंशन बढ़ करके हो गई है 26,738 रुपये और यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है 2,988। जो रैंक है नायक सुधार ऑब्लिक हवलदार एसीपी 1 जिन्होंने 15 से लेकर 15.5 साल तक सर्विस की है 22,578 रुपये वो आरोपी 2 के अंतर्गत उनकी पेंशन थी अभी बढ़कर के हो गई है 23,175 रुपये वो आरोपी 3 के अंतर्गत यहाँ पे जो बढ़ोतरी हुई है मात्र 597 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से नायक सुधार या फिर हवलदार एसीपी 1 जिन्होंने 16 साल सर्विस की है उनकी पेंशन हो गई है बढ़कर के 23,475 रुपये और उसमें जो अंतर आ रहा है 897 रुपये का तो उनकी पेंशन पर मंथ के हिसाब से 897 रुपये की बढ़त हुई है। इसी रैंक में जिन्होंने 16.5 साल सर्विस की है उनकी पेंशन अभी वो आरोपी 3 के अंतर्गत बढ़ के हो गई 23,800 रुपये और यहाँ पर जो बढ़ोतरी हुई है 575 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। जिन्होंने 17 साल से लेकर 17.5 साल तक उनकी जो पेंशन है 24,425 रुपये हो गई है वो आरोपी 3 के अंतर्गत और यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है 875 रुपये की। जिन्होंने 18 साल से लेकर 19.5 साल तक सर्विस की है उनकी जो पेंशन अभी हो गई है 25,075 रुपये और 950 रुपये की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। जिन्होंने 20 से 21 साल सर्विस की है उनकी पेंशन 25,750 रुपये हो गई है और बढ़त हुई है 925 रुपये पर मंथ के हिसाब से। इसी तरह से जिन्होंने 21.5 साल तक सर्विस की है उनकी पेंशन 26,125 रुपये हो गई है और बढ़ोतरी हुई है 1,300 रुपये की। इसी तरह से जिन्होंने 22 से 24 साल तक सर्विस की है उनकी पेंशन 26,825 रुपये हो गई है 2,000 रुपये की यहाँ पे सीधी बढ़ोतरी हुई है। उसी तरह से जिन्होंने 24.5 साल से लेकर ऊपर सर्विस की है उनकी जो पेंशन है 26,900 रुपये और रुपये 3 के अंतर्गत हो गई है और बढ़ोतरी हुई है 1,886 रुपये की। सुधार अवलिक हवलदार एसीपी 1 जिन्होंने 26.5 साल सर्विस की है उनकी पेंशन यहाँ पर पढ़ करके हो गई है 27,225 रुपये और 478 रुपये की पर मंथ के हिसाब से उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। जिन्होंने 27 साल उससे ऊपर सर्विस की है उनकी पेंशन हो गई 27,950 रुपये और यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है मात्र 343। रैंक सुविधा रैंक में जिन्होंने 16 साल से लेकर 20.5 साल तक सर्विस की है उनकी जो पेंशन थी प्रजेंट वो आरोपी 2 के अंतर्गत 26,004 रुपये थी वो आरोपी 3 के अंतर्गत बढ़ के हो गई है 27,100 रुपये। यहाँ पे जो बढ़ोतरी हुई है 1,096 रुपये की बढ़ोतरी हुई है पर मंथ के हिसाब से। उसी तरह से सुविधा रैंक में जिन्होंने 21 साल सर्विस की है उनकी पेंशन जो पहले थी 27,550 रुपये और अभी बढ़ करके हो गई है 27,475 रुपये अभी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है 0 कोई भी बढ़ोतरी यहाँ पर
नहीं हुई है। उसी तरह से सिविल रैंक में जिन्होंने 21.5 साल सर्विस की है उनकी जो पेंशन है यहाँ पर 28,725 रुपये हो गई है, बढ़त हुई है 675 रुपये की। सुविधा रैंक में ही जिन्होंने कम से कम 22 साल से लेके 26.5 साल तक सर्विस की है उनकी जो पुरानी पेंशन थी वो ROP2 के अंतर्गत 28,050 रुपये थी, अभी वो ROP3 के अंतर्गत बढ़कर के 28,800 रुपये हो गई है और 750 रुपये की पर मंथ के हिसाब से उनकी पेंशन में इजाफा हुआ है। उसी रैंक में जिन्होंने 27 साल से लेकर 27.5 साल तक सर्विस की है उनकी पेंशन हो गई है 29,075 रुपये और बढ़ोतरी हुई है 1,025 रुपये की। सुविधा रैंक में जिन्होंने 28 साल से लेकर 29.5 साल तक सर्विस किए हैं उनकी जो पेंशन हो गई है 30,175 रुपये हो गई है और इसमें बढ़ोतरी हुई है पर मंथ के हिसाब से 475 रुपये की। उसी तरह से यदि उन्होंने 30 साल से ऊपर सर्विस की है सुविधा रैंक में तो उनकी पेंशन जहाँ 31,000 रुपये ROP2 के अंतर्गत थी वो ROP3 में बढ़ करके 31,500 रुपये हो गई है और इसमें बढ़ोतरी पर मंथ के हिसाब से हुई है मात्र 500 रुपये की। अभी नेक्स्ट जो रैंक है सुविधार मेजर रैंक है जिन्होंने कम से कम 20 साल सर्विस की है ORP2 के अंतर्गत उनकी पेंशन थी 31,830 रुपये और ORP3 के अंतर्गत 30,585 रुपये हो गई है, तो यहाँ पे बढ़ोतरी नहीं बल्कि कम हुई है। हालांकि एक नियम के अनुसार उनकी पेंशन में कोई कमी नहीं आएगी, जिसको ज़्यादा मिल रहा पहले से उसको कम नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर कोई भी बढ़ोतरी नहीं है बल्कि कम हुई है आंकड़ों के हिसाब से। जिन्होंने 20.5 से लेकर 21 साल सर्विस की है उनकी जो पेंशन पहले थी 31,830 रुपये थी और ORP3 के अंतर्गत यहाँ हो गई है 31,050 रुपये, तो उनकी पेंशन में भी कोई बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं हुई है बल्कि माइनस ही हुई है। कम से कम 21 साल 5 महीने से लेकर 22 साल सर्विस की है और जिनकी पेंशन ORP2 के अंतर्गत 31,830 रुपये थी वो ORP3 के अंतर्गत 31,900 रुपये हुई है और उनकी पेंशन में मात्र 70 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट जिन्होंने 22.5 साल से लेके 27.5 साल तक सुविधा रैंक में नौकरी की है उनकी जो पेंशन थी पहले 31,830 रुपये थी और अभी बढ़कर के हो गई 31,950 रुपये, तो 120 रुपये की मात्र यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। जिन्होंने 28 साल से लेके 28.5 साल सर्विस की है उनकी पेंशन हो गई है 33,750 रुपये और यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है मात्र 964 रुपये की। 29 साल से लेके 31.5 साल से सर्विस की है उनकी जो पहले पेंशन थी वो थी 33,556 रुपये, अभी बढ़कर के हो गई है 34,425 रुपये, तो यहाँ पे उनकी पेंशन में जो पर मंथ के हिसाब से इजाफा हुआ है 899 रुपये का इजाफा हुआ है। उसी तरह से जिन्होंने 32 साल या उससे अबोव किया है उनकी पेंशन में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है मात्र 1,049 रुपये। नेक्स्ट जो रैंक है ऑनरी लेफ्टिनेंट रैंक और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन्होंने 28 साल सर्विस की है ORP2 के अंतर्गत उनकी पेंशन थी 41,352 रुपये और ORP3 के अंतर्गत वहाँ पेंशन हो गई है 40,750 रुपये। अभी किस हिसाब से हुई है क्या इनका कैलकुलेशन है भगवान जाने, लेकिन कोई भी बढ़ोतरी उनकी पेंशन में नहीं हुई है। हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ और आपको भी पता होगा कि जिसको ज़्यादा मिल रही है पहले से उसको कम नहीं किया जा सकता, लेकिन आगे आने वाले या जो बाद में आए हैं उनको यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं हुआ है। ऑनरी लेफ्टिनेंट रैंक जिन्होंने कि 28.5 साल से लेकर 30 साल तक सर्विस की है उनकी पहले ORP2 के अंतर्गत पेंशन थी 41,352 रुपये और अभी हो गई है 41,200 रुपये, तो यहाँ पे कोई भी बढ़त नहीं बल्कि पेंशन हुई है माइनस। उसी तरह से लेफ्टिनेंट रैंक जिन्होंने कि 30.5 साल तक सर्विस की है 41,352 उनका ORP2 के अंतर्गत था, ORP3 में बढ़ करके हुई है 42,050 रुपये, तो यहाँ पर मात्र 658 रुपये की बढ़त उनकी पेंशन में हुई है। ऑनरी लेफ्टिनेंट जिन्होंने कि 31.5 साल से लेकर के 32 साल तक सर्विस की है उनकी पेंशन हो गई है 42,625 पर, यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है पर मंथ के हिसाब से 1,273 रुपये की। ऑनरी लेफ्टिनेंट जिन्होंने 32 साल या फिर उससे ऊपर सर्विस किया है उनकी पेंशन हो गई है 46,300 रुपये और बढ़ोतरी हुई है 4,948 रुपये की। ये सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है जितने भी रैंक हैं। तो लास्ट में जो है ऑनरी कैप्टन जिन्होंने कि 32.5 साल या उससे ऊपर सर्विस की है उनकी जो पेंशन पहले थी 43,700
16 रुपये थी और अभी हो गई है 46,300 रुपये। तो यहाँ पे जो पर मंथ के हिसाब से उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है 2,584 रुपये की बढ़त हुई है। तो काफ़ी रैंक हैं जिनको कि यहाँ पे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है इस ORP के अंतर्गत। अभी 5 साल के बाद ये ORP हो रही है और 5 साल के अंतर्गत फौज की पेमेंट पड़ी है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये जो कैलकुलेशन है, किस हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन किया है, इनको दोबारा इसको देखना चाहिए और जो भी यहाँ पे कमियाँ हैं उसको ठीक करनी चाहिए, क्योंकि 5 साल गुजर जाने के बाद भी पेंशन कैसे कम हो सकती है, यहाँ सोचने वाली विषय है। अभी तक इतना ही। चाहिए।